चीजी कहानी नूना और आदमी री कहानी। बोरी बक्तबासिये दुनिया दी बोरी लोग रो थे, से बोरी दुष्ट और पापी हुई गए थे। ए वो ती बुरो थो कि परमेश्वर एक बोरी बड़े काला करी ई पूरी दुनिया खत्म करने रो फैसलो कियो। पर परमेश्वर नूना और आदमी को खुश थो और से वो बुरे आदमी मांझी रोने वालों एक धर्मी आदमी थो। परमेश्वर नुहाले बोलो कि आऊँ बोरी बड़ो पानी रो काल आने वालो आ। एथीले तिणीए नूह को एक बोरी बड़ी किस्ती चढ़ने ले बोलो। परमेश्वर नुहाले बोलो तकरीबन 102 मीटर लंबी, 103 मीटर बिल्ली और 13.5 मीटर ऊंची किस्ती चढ़ने ले बोलो। और बोलो कि ताई से किस्ती जुखड़ी और तिथा दी 3 मंजिले और बोरी का कमरे और एक छापर और एक खिड़की चाननिया। से किस्ती नूह तीसरे टोबर और दोतरी सारे जानवरू पानी रे काला को बचाई छाड़ा सा। नूह परमेश्वर की बूश मानी तिणीए और तीसरे छोर तिणी किस्ती चाणी जिनी परमेश्वर बोलो थो, कहले कि से किस्ती बोरी बड़ी थी। इथीले तिये चढ़ना ले कई साल लगे। नूह लोगों ले आशने वालो पानी रे काला रे बारे दी भी खबरदार किए और त्यूं ले परमेश्वर री बिले बोधनी ले बोलो। पर त्यूए तेस मथि विश्वास नहीं कियो। परमेश्वर नूह और तीसरे टोबर अपुले और जानवरुले खाने री चीजें कोठे करने रो हुकुम देओ। जब सब कुछ तैयार थो तब परमेश्वर नुहाले बोलो कि एजो बगत तीसरी बोटी रे तीसरे चियऊ छोरु रे और त्यूरी बोटी रे कुल मिलायो 8 जने किस्ती दी डेवने रो थो। परमेश्वर हर जानवर और पक्षी रे नर और मादा नुहा काय भेजे ताकि से बड़ी किस्ती भी ते दे सका और पानी लागने रे दौरान बची रोई बोला। परमेश्वर रे हर जाति रे जानवर रे 7 नर 7 मादा भेजे जो बड़ी चढ़ाने ले इस्तेमाल कर सका। तब से सारे बड़ी किस्ती दी पहुंची गए था। परमेश्वर आपू तीन बड़ी किस्ती रो दार बंद कियो। तबे पानी लागनो शुरू हुआ और पानी लगातार लगते थको। बिना टेकी पानी 2 दिना और 2 राची जाऊँ लगते थको लगी। सारी दुनियारी हर चीज इधर जाऊँ कि ऊंचे ऊंचे पर्वत भी पानी दी डूबी गोए। सुखी दोत्री माथी रोने वाली हर चीज मरी गई। त्यू लोगू और जानवरू छाड़ियो जो किस्ती दी थे से किस्ती पानी दी तैरते थी लगी होंगी और किस्ती भी थे जो थे से सारे सही सलामत छाड़े। पानी रुकने बासिए 5 महीने जाऊं से किस्ती पानी माथे तैरते थकी लगी। से जे वक्त दी पानी कम थो ओंदे लगोंदो। तबे एक दिने से किस्ती एक पर्वत री चोटी माथे डेयो टेकी पर दुनिया इबी भी पानी दी डूबी होंदी थी। 6 महीने बासिए पर्वत री चोटी दिशते लगी थी। तबे तो ये 2 दिन बासिए नुए एक कवागो इन्हें देखने ले बाहरे भेजो कि का पानी सुकी गो लो। से उकवागो सुकी जगह लोड़ दे थो लगोंदो पर तेसके सुकी जगह नहीं मिली। तबे बासिए नुए एक कबूतरी बाहरे भेजी पर तिया कभी सुकी जमीन नहीं मिली। एथीले से नुआ काय वापिस आसी गई। 7 दिन बासी से कबूतरी तोये भेजी और तियाए अपनी छुंजा दी जैतूना रो एक शांटो आनियो वापिस आसी। पानी गोट दे थो लगोंदो और पौधे तो ही दूजी बारे जमदे लगे थे। नूहे 7 दिन जाऊं पोखो। तबे चीजी बारे से कबूतरी बाहर भेजी ऐसे फेरे दी तिया के रुकनरी जगह मिली और से वापिस नहीं आसी। पानी सुख दे थो लगोंदो। 2 महीने बसिए परमेश्वर नुहाले बोलो एबे तू और तेरो टोबर और सारे जानवर बाहर गाड़ी आनो। बोरी सारे लोलडे और कोई कोनाल्डू पैदे करो और दोत्री माथी बोरियो। तबे नूह और तीसरो टोबर किस्ती को बाहर आशे। नूहे बाहर आशियो एक बेदी चाणी और बोली ले इस्तेमाल रे लायक दोणु मांझे को कुछ दोण नियो बोली चढ़ाई। परमेश्वर त्या बोली को खुश हुआ और नूह और तीसरे टोबर ले आशीष दी। परमेश्वर बोलो आऊँ वायदो करो कि आदमी रे जरिए की होंदे बुरे कामों रे कारण आऊँ तो ये कभी भी दोत्री ले शाप नहीं देंदो या पानी रे बाड़र दी दूजी बारे नहीं बोआउंदो।
हालांकि आदमी जन्मा को पापी या तबे परमेश्वरे अपने निशाना रे रूप दी पहली पणियार चाणी तबे केबी भी स्वर्ग दी पणियार दी शलिता परमेश्वर याद करा कि तिनिया का वायदो कियो थो और इनी तेसरे लोग भी याद कराई।